to do, tell me what to do. If you want me to take over, just give me the green light, just give me the... Good morning, सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं. सबसे पहले शुरुआत करूंगी हमारे डायरेक्टर से, प्रमनन सिंह. इनसे मेरा तारुफ हुआ था जब मैंने पंचमदाह की डॉक्यूमेंट्री देखी थी और इन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला कि ये कौन शख्स है जिसने इतनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई. और उसके बाद जगजीत सिंह जी की डॉक्यूमेंट्री देखी एंड एक मन में ये ज़रूर था कि इनके साथ काम ज़रूर करना है, बिकॉज अगर आपने देखी है वो डॉक्यूमेंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल. एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए इन्होंने मुझे कहा इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए. जैसा संजय ने बहुत सही कहा कि हम जब बड़े हो जाते हैं अपना बचपन याद करते हैं, तो हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे बचपन बहुत बचपन की तरह ही थे, जहाँ हमने शरारतें की हैं, हमें जो कभी मन किया कि हमें ये चाहिए हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया, हमने खेल कूद भी किया है, जहाँ पर डांट करनी है, मिस्टेक्स करनी, एवरीथिंग दैट इज चाइल्ड हुड, वो सब किया है. लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें आप फिल्म में भी देखेंगे जो चाइल्ड लेबर में फंस जाते हैं और वो अपना बचपन ही नहीं जी पाते. सो कैलाश जी के जीवन पर ये जो कहानी, इनफैक्ट मुझे पर्सनली उनसे मिलने का मौका मिला एंड 50,000 से ऊपर कितने बच्चों को, 85,000 बच्चों को उन्होंने चाइल्ड लेबर से बचाया. और पैशन उनका ऐसा है कि जान भी जोखिम में डाल के फिर भी बच्चों को बचा रहे हैं. और सबसे खूबसूरत बात, जब मैं उनकी डॉक्यूमेंट्री, उन पर जो बनी है एक डॉक्यूमेंट्री, लेकिन जो एक रिलीफ था कि नाउ वी आर फ्री, वो उस इंसान ने किया है. बमन हैज रियली डन सच अ फैबुलस जॉब ऑफ प्लेइंग हिम एंड आई थिंक वी आर अ फैबुलस टीम हियर. बहुत हंसते खेलते मिर्जापुर में हमने शूट किया, तन्वी हैज को डायरेक्टेड इट, 48 डिग्री सेल्सियस. तो लेकिन हंसी मजाक में बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी फिल्म बनी है एंड इट्स ऑल हार्ट. गुड मॉर्निंग सबको, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं सबका. तो मेरे लिए लास्ट हो जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगा, एक दिन मैं, दो साल पहले मैं बैठ के मैं मेरी फिल्म लिख रहा था खिड़की के पास और मैं वहीं पे कुछ टाइपिंग कर रहा था और मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि वी वुड लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म व्हिच इज अबाउट चाइल्ड लेबर. तो मैंने देखा और मैं, मुझे थोड़ा टाइम लगता, आज भी जाते टाइम लगता जवाब देने में व्हाट्सएप में. फिर से फ्लैश हुआ वही, तो मैंने एक हाथ से जवाब दिया, आई थिंक आई जस्ट रोट डन, आई डोंट नो व्हाई, मुझे मालूम नहीं मुझे बहुत टाइम लगता है जवाब देने में, मेरी भीड़ फोन करती है तो तब मैं तुरंत जवाब देता हूँ इसके अलावा. लेकिन मैंने बोला डन और तुरंत ब्रह्मानंद का फोन आया, ओ थैंक यू बोला गया डन. सो आर यू श्योर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा. और मैंने कहा कि कितने दिन कहां पे शूट करना, बात मुझे कुछ पता नहीं था कि इस फिल्म, इट इज अबाउट चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर एंड दैट्स ऑल दैट मैटर. तो जब मैं गया मिर्जापुर तो दिस वंडरफुल पीपल वर ऑलरेडी देयर, उनका काम ऑलमोस्ट खत्म होने को आया और मैं वहां पे पहुंचा. तो मिर्जापुर में मैं आई थिंक 45-47 डिग्रीज थे गर्मी, ऑन ही है, बोला नहीं कुछ नहीं हो रहा है. तो उसने खिड़की खोली, एसी बेसिक, बोला वेरी नाइस. तो और रोमन का फोन है, बोला आई एम सॉरी, आई होप इट्स कंफर्टेबल, बोला नहीं बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम. जो जो कैलाश जी ने लाइफ में किया है और जहां जहां पे गए हैं और रुके हैं और रहे, उसके सामने ये तो प्रेसिडेंशियल स्वीट जैसा लग रहा था मुझे सचमुच. इस फिल्म का हिस्सा बन पाया खुशकिस्मत हो, क्योंकि ऐसी कहानियों से जुड़ना एक ये आदमी एज एन एक्टर और अ प्रोफेशनल अलग रीजंस के लिए करता है. और ऐसा नहीं है दे टुक केयर ऑफ अस कम्प्लीटली, बट जैसे भ्रमण का कॉज जो आइडिया है फिल्म का, कॉज सिनेमा, कभी कभी आप फिल्म देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं और आप उसको अपने साथ घर ले जाते हैं और आपके साथ वो फिल्म रहती है, उसका मैसेज या उसका कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा इमोशन आपके साथ रहता है. पहले जब मैं भी बड़ा हो रहा था तो फिल्मों से निकलते थे, कोई राजेश खन्ना के स्टाइल में बाहर निकलता था, कोई राज कपूर की परफॉर्मेंस को देख के. और कभी कभी कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको सेंसिटाइज कर लेते हैं,
और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है बड़ों को तो जरूर देखना ही चाहिए. छोटी सी बात है, हम सब बड़े होना चाहते हैं जल्दी जल्दी. आप सब भी बड़े होना चाहते हैं कि हमें गाड़ी चलाने को कब मिलेगा, हम कॉलेज कब जाएंगे, हम मम्मी पापा से नहीं पूछना है कुछ भी वगैरह वगैरह. और मैं इतना आपको कह सकता हूँ, जब हम बड़े हो जाते हैं हमेशा बचपन की बातें करते हैं, हम बचपन को याद करते हैं. तो उस बचपन में कुछ था तो बहुत जल्दी खो देते हैं. कल ही हम एक और कहीं एक शो पे गए थे तो सब कह रहे थे कि आपको ऐसा वाक्य सुनाएं जो आपका बच्चा करता है. और सब इंसिडेंट्स ऐसे थे कि जब पेरेंट्स शर्मिंदा हुए क्योंकि वो बच्चों को सिखा रहे थे अब सच बोलो, लेकिन वो खुद ही छोटे छोटे झूठ बोलने लग जाते हैं. जैसे किसी का फोन आता है, उनको बोल दो मम्मी घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है, वहां से एक छोटे बच्चे पिकअप करते हैं और कहते हैं आप तो हमें सच बोलना सिखाते हैं लेकिन आप खुद झूठ बोलते हैं. तो ये बहुत बारीकियां होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हमको कैसे खराब करते रहते हैं एक्चुअली.